आज जो है गोरखपुर की शहर सीट पे जो है न्यूज वर्ल्ड इंडिया निकला है और जानने की कोशिश करेंगे कि जो 3 मार्च को मतदान होना है तो जनता की जो मूड है वो किस तरह है। जी बिल्कुल, हम लोग इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं और अखिलेश यादव जी को मतलब इस बार चुनेंगे हम लोग। अच्छा। जी अच्छा, ये क्यों आप अखिलेश सरकार की जो चाहते हैं? यहाँ पर उपेंद्र दत्त शुक्ला की जो पत्नी यहाँ पर जो है योगी जी को मुकाबला दे रही, टक्कर दे रही हैं, तो पूर्ण रूप से टक्कर में है, तो क्या लगता है? हमें किसी से कुछ मतलब नहीं, बस हम केवल चाहते हैं अखिलेश यादव जी को इस बार। अच्छा। जी क्योंकि मांग है मतलब अखिलेश यादव ही आना चाहिए इस बार। अखिलेश यादव गोरखपुर में भी आएंगे? जी सरकार उन्हीं की बननी चाहिए मतलब, और जो उनकी पार्टी से उम्मीदवार होंगे यहाँ पे मतलब उन्हें जीताना है साइकिल को ही बस इस बार। जी तो कहीं हवा समाजवादी पार्टी की है तो कहीं जो है बीजेपी की। हमारे साथ दादा है, मैं जानना चाहूंगा भैया क्या लग रहा है यहाँ की जनता का मूड क्या है? ठीक है, जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में है, यहाँ बहुत सा काम हुआ है। महाराज जी को फिर से बिठाएंगे क्या? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में काम हुआ है। यहाँ पे 5 बार तो सांसद रहे हैं, क्या क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, कहीं पर आप देख लीजिए विकास, रामगढ़ ताल का विकास देख लीजिए, इधर विकास देख लीजिए, पूरा फोर लेन उधर बन रहा है, सब कुछ विकास है, कहाँ विकास नहीं हुआ है? क्या लगता है अगर यहाँ पर उनको जिता करके लाएंगे तो गोरखपुर की कैसी ऐसी कौन सी जो तस्वीर होगी जो योगी जी और बदलने का काम? अगर योगी जी आएंगे बहुत अच्छी तस्वीर होगी गोरखपुर की और पूरे प्रदेश की होगी। जी हमारे साथ कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हम योगी सरकार चाहते हैं, सुरक्षा की गारंटी है, रोड सड़क सब बन रहा है, सब काम विकास का हो रहा है, कोई काम रुका नहीं है, आगे भी होता रहेगा, देश अच्छे से चल रहा है, बस और क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर 5 बार सांसद रहे योगी महाराज जी, क्या लगता है विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ था, अब हो रहा है, अब हुआ जब से मुख्यमंत्री सीएम हुए हैं तब से हो रहा है। जो जनता का मूड है, जनता के मूड जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर की जनता क्या चाहती है। क्या लग रहा है भैया, 3 फरवरी को मतदान है तो किसके पक्ष में वोट करेंगे? भैया हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, देश के ऊपर। हाँ, विकास भी हुआ है, पूरा कॉलोनी वोलोनी सब कुछ मिला है, भाजपा को भी करेंगे, योगी सरकार आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ इसी चौराहे पर चलते चलते जो देखते हैं कि भैया जो हवा है वो जो प्रदेश की जनता की हवा है वो किस तरफ है, और यहाँ की जनता जो 3 मार्च को मतदान करेगी उसके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। हमारे साथ पीछे में देख सकते हैं कुछ और भैया हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गोरखपुर की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश का जो है गोरखपुर धाम और तीसरे चरण में यहाँ जो है मतदान होना है, मैं पीछे दिखा सकता हूँ गोरखपुर का ये चौराहा, और यहाँ पर जो पब्लिक है मैं उनसे जानूंगा कि तो 3 मार्च को जो मतदान होने वाला है वो जनता का मूड क्या है और जनता क्या चाहती है। हमारे साथ भैया हैं कि यहाँ गोरखपुर में जो हवा है वो किस तरफ है? साइकिल की है। हाँ, बेरोजगार है, महंगाई बहुत ज्यादा है। यहाँ तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ लड़ रहे हैं, इससे क्या होता है जी? बीजेपी आई है, सिर्फ महंगाई के सिवा और कुछ फायदा हुआ है गरीबों को? 3 तारीख के बाद जो ठेला लग रहा है, 3 के बाद ठेला भी नहीं लगेगा, रिक्शा भी नहीं लगेगा, कोई चीज लगेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शास्त्री चौक में बस कहते हैं अधिकारी आता है, ये गरीब कहाँ जाएंगे? भुखमरी के शिकार तो हो रहे हैं, जब से बीजेपी आई है सिर्फ भुखमरी के शिकार हुई है बस, उससे कोई लाभ नहीं। रोड लेके क्या करेंगे? रोड से पेड़ नहीं ना भरेगा, मेन मेरा ये रोजी है, जब ये रहेगा तो सब कुछ रहेगा, नात बात रिश्तेदार इसी से जी रहे हैं, और जब यही हट जाएगा तो आदमी नात बात रिश्तेदार सब कहेगा जिंदगी लहास हो गई है। राय महाराज तो बोलते हैं पूरा यूपी में उन्होंने दमखम से विकास किया है। क्या विकास किया है? महंगाई के सिवा और क्या विकास किया है? क्या दिया है बीजेपी ने? 7 साल की सरकार आई है, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है जी। हम लोग इस समय जो खड़े हैं वो है शास्त्री जो चौराहा है, और उस चौराहे पर जिस तरह से हम पीछे दिखा सकते हैं किस तरह से जो ठेले वाले हैं और उनके जो रोजगार के अगर बात आती है तो रोजगार को लेकर के जो जनता
का जो मूड है वो किस तरफ है, और भी भैया जो यहाँ से आम पब्लिक है उनसे भी जानते हैं कि आने वाले अभी 3 मार्च को जो मतदान होना है तो उसका रुझान किस तरफ है। भैया क्या बोलते हैं, किसे मतदान करेंगे? योगी को, योगी को। अच्छा, क्या अभी भैया तो कह रहे थे कि वो तो अपना कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हाँ, क्या क्या लाभ मिला है योगी सरकार में, कुछ फायदा हुआ है गोरखपुर की जनता को? अब फायदा हुआ या नहीं हुआ, योगी आया वही वोट देता, फायदा यही है कि ठेला यहाँ सुबह लगता। ये गोरखपुर है, गोरखपुर 3 मार्च को यहाँ मतदान होना है, तो क्या लगता है जनता के मुद्दे क्या लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट देती है? देखिए, मुद्दा तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ योगी जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से, और योगी जी काफ़ी यहाँ काम भी किया इन्होंने, और पिछले 5 सालों में देखिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ, नहीं तो यही चौराहे पे गोलियाँ चलती थी, यही अखिलेश की गवर्नमेंट में जो है हमेशा गोलियाँ चलती रहती, कहीं ना कहीं चौराहे पर गोलियाँ चलती थी। ये 5 साल बहुत शांतिपूर्ण से बीता हम लोगों को, और बहुत सुकून से हम लोग जिए। और रही बात महंगाई, तो महंगाई तो आती जाती रहती है, कोई इशू नहीं है महंगाई का, ठीक है, महंगाई है तो पैसे भी बढ़ रहे हैं लोगों के, हमारी भी सैलरी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो वो इशू नहीं है कोई। मैंने अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो कोई काम कर पाएंगे, जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से काम कर पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है, देखिए किसी दिन योगी आदित्यनाथ या भाजपा के चेहरे कहे जाने वाले उपेंद्र शुक्ला की पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि योगी सरकार को कुछ नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है पूरी पब्लिक के, यहाँ गोरखपुर पब्लिक के अंदर उनका अपना एक महत्व है, सारी पब्लिक योगी जी को काफी लाइक करते हैं, इन्होंने जमीनी लेवल सभापति शुक्ला जो उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है, तो ये समाजवादी ने जो यहाँ पर दाव खेला है उसमें लगता नहीं नुकसान? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी लोग योगी जी को काफी लाइक करते हैं, और शुक्ला जी तो काफी दिन साथ में रहे हैं, टिकट ना मिलने से विरोध करना ये तो गलत बात है, हर किसी को समय देना चाहिए, जनता का मूड भी देखना चाहिए, और देखिए पार्टियां क्या है, टिकट मिलना ना मिलना वो इशू नहीं होता है, आप अगर हम जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देशभक्ति के लिए हम जो देश के साथ है हम उसके साथ है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर उपेंद्र शुक्ला के मौत के बाद उनका शोक मनाने भी या श्रद्धांजलि देने भी योगी आदित्यनाथ नहीं गए, जबकि बहुत खास चेहरे थे? देखिए, अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अब रीजन है कि शुक्ला जी से तो मैं मिला हूँ काफ़ी दिन, काफ़ी बार, क्योंकि मैं हिंदी वाहिनी में भी काम किया हूँ, और शुक्ला जी से ऐसा कुछ नहीं था, अब उन्होंने किस बात पे विवाद किया ये पता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि योगी जी ने उनको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट दिया योगी जी ने, अब किसी के भावकाम में शुक्ला जी जो चले गए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, शुक्ला जी के इंपॉर्टेंट बहुत है, बीजेपी भी आज भी उनको याद करती है, और काफ़ी उनका सम्मान से लोग नाम लेते हैं, तो अभी बात हो रही है केवल कि राष्ट्रहित की, तो उसमें योगी जी को ही हम लोग साथ देंगे। ये गोरखपुर की सड़कें और ये जो है बाबा जी का धाम, अगर देखते हैं कि यहाँ की जनता जो है किसे पसंद करती है, और जनता का मूड भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार जो है बीजेपी की लौटेगी या बाबा जी अपनी सीट बचा पाएंगे। यहाँ की अगर सीट की बात की जाए तो एक बड़ा कड़ा मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी से देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या लगता है कि यहाँ पर गोरखपुर सीट पर बाबा जी सीट बचा पाएंगे? हाँ, लगता तो है एकदम। अच्छा, क्या युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से युवाओं की क्या सोच है, आने वाले समय पे यहाँ पे जो मतदान होना है वो क्या सोच करके मतदान करेंगे? वही बच्चे थोड़ा ज्यादा। क्या लगता है भैया, किस सोच को लेकर के युवा जो है पीढ़ी किस तरफ है? विकास की तरफ, लेकिन ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है किस आधार पर चुनते हैं उनको। यहाँ पे 5 बरस में योगी आदित्यनाथ जो है सांसद भी रहे, तो क्या लगता है कैसा विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, हम लोग को विकास दिखा है, तो हम लोग तो उनको ही वोट करेंगे। कुछ विकास यहाँ के गोरखपुर के लोकल के कैसे कैसे विकास हुए हैं? लोकल के तो सभी रास्ते सही हो गए हैं, हम लोग की तरफ, हम लोग जैसे आउट एरिया के हैं तो वहाँ पे रास्ते पहले बहुत खराब हुआ करते थे, जो हम लोग का जो रोड है मेन रूट एम जो वाराणसी की वाली रोड है वो 6 लेन हुई है उधर की रोड, लोकल में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है सर। आपकी जौनपुर की बात की जाए तो फाइट में किससे टकरार किससे है? फाइट में वही समाजवादी पार्टी से, वही टक्कर में है आज।
जी हमारे साथ भैया क्या जानना चाहेंगे युवाओं के लिए, अगर सरकार की सोच की बात की जाए तो युवाओं के लिए क्या है? सरकार की सोच तो इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं हमारे जो वेलफेयर बोर्ड को पास किया गया साथ में ट्रांसजेंडर्स के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती है उन लोग पे थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ ध्यान दें ताकि हम जो थर्ड जेंडर्स हैं उन लोग के लिए भी थोड़ा सा। यूपी की अगर बात की जाए तो बड़ी समस्या बेरोजगारी की देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि वो बेरोजगारी की जो है ना मतलब सबके साथ वो तो सब हर एक सिटी में है, यूपी में नहीं हर एक सिटी में है और साथ में हर एक वर्ग में है ये चीज़ बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो वो लोगों को खुद से ही आगे बढ़ने के लिए आदित्यनाथ ने बहुत किया है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत किया है, बस वो थोड़ा सा और ध्यान दें हर एक इंसान के लिए तो शायद और अच्छा वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उनको तो पूरी जनता तो मैक्सिमम जनता उन्हीं को सपोर्ट कर रही है योगी आदित्यनाथ को और शायद उनकी सीट बचेगी भी मुझे यही लगता है। तो क्या लगता है जैसे अगर जनसत्ता में आई फिर से भाजपा सरकार तो क्या आने वाले समय में ये रोजगारी जो एक समस्या है महंगाई एक समस्या है वो खत्म कर पाएगी? हमें लगता है कि खत्म कर पाएगी बिल्कुल। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्या योगी के सामने जो एक बड़ी समस्या है तो क्या वो समस्या को या जो उसका टकराव है तो वो टकराव में अपनी सीट क्या बचा पाएंगे? क्या क्या लगता है भैया योगी आदित्यनाथ जी? कोई कमेंट्स नहीं। क्या लगता है यहाँ योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं उधर तो उपेंद्र दत्त की पत्नी लड़ रही है, तो क्या यहाँ की राजनीति बड़ा दिलचस्प माहौल नहीं? बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि योगी जी यहाँ से जीते हैं और जीतना है किसी भी हाल में उनको जीतना है। अच्छा, पांच बार सांसद रहे हैं योगी जी, कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, अभी तक की सरकार कोई नहीं किया जो इन्होंने किया। और बताइए सुरक्षा की दृष्टि से कितना सुरक्षित है गोरखपुर? बहुत सुरक्षित है, पहले आम जनता नहीं घूम पाती थी सही जगह से आइए और आज एकदम सुरक्षित है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जीते और जीतते रहें। क्या लग रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर है तो उसमें उपेंद्र नाथ शुक्ला की जो पत्नी लड़ रही है तो योगी जी को कितना नुकसान होगा? सर कोई नुकसान नहीं होगा उससे, योगी सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या लगता है महाराज जी की जीत यहाँ से कैसे? एकदम निश्चित सर जी, 5 वर्ष सांसद रहे हैं 5 बार, तो क्या लगता है कुछ विकास हुआ है गोरखपुर? सर बहुत विकास किया उन्होंने। किस सर? जैसे आज के समय में गोरखपुर में रोड देखिए, नाली हो गई, बिजली हो गई, एजुकेशन के परपथ से भी गोरखपुर नंबर एक पे है। इस समय एजुकेशन हब भी बना हुआ है गोरखपुर, आपका गोरखपुर में से भी लाइन्स है, मेडिकल रोड की हालत देखिए, मेडिकल रोड पहले सिंगल रोड था और हॉस्पिटलों की इस समय मतलब बहुत बेहतर मतलब जो सुविधाएं जो हैं सरकारी हॉस्पिटल आपके मेडिकल कॉलेज हैं सदर हो गए सारी सुविधाएं तो बढ़ी हुई हैं। सर कौन सी सुविधाएं जो नहीं? सर विकास तो काफ़ी अच्छा है और महिला सुरक्षा को लेते हुए ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा कि इधर महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है और बहुत अच्छा है सर। इधर आधी रात को भी अगर महिला निकलती है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है सर और बहुत अच्छा विकास है इधर सर। क्या लगता है कि जब योगी सरकार आई है तो बदलाव हुआ है? बिल्कुल सर बदलाव हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव हुआ है योगी सरकार में। जैसे क्या बदलाव हुआ है, आप आए हैं तो क्या कितना बदलाव नजर आ रहा है? यही है सर कि कुछ नया देखने को मिलता है, काफ़ी सड़कें हाईवे वगैरह भी अच्छा है और सर इधर महिलाओं के साथ बहुत अच्छा है। कट हो गया, शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण और चुनाव उत्तर प्रदेश का जो मुख्य स्थल है वो योगी आदित्यनाथ का जो है गोरखपुर, इसे कहा जाता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। अगर प्रदेश की बात की जाए तो एक बड़ा मुकाबला और हॉट सीट कहे आने वाला गोरखपुर है। गोरखपुर का जो है हम पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो लोगों का बड़ा है, मैं यहाँ से जानूंगा कि यहाँ की जो जनता है वो जो है किस तरह के मुद्दों को लेकर के 3 मार्च को जो यहाँ मतदान होने वाला है उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और जनता कितनी जो है यहाँ पर जागरूक है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं जानूंगा कि यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर के कितनी जागरूकता है, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं? जी महिलाएं तो बहुत सुरक्षित हैं, योगी राज में सब बढ़िया है।
क्या अभी 3 मार्च को मतदान होना है तो किसकी सरकार ला रहे हैं? हम तो योगी की सरकार लाएंगे। अच्छा, योगी जी ने यहाँ पे 5 बार सांसद रहे, तो क्या कैसे कैसे कार्य किया? आप तो यहाँ से लोकल से हो? नहीं जी, लोकल से नहीं है लोग, लेकिन ये है कि क्या लग रहा है गोरखपुर में आके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हर जगह पुलिस है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है, विकास तो बहुत ज्यादा हो गया है। अगर बात सुरक्षा की आती है तो यहाँ पर किस तरह की आपने गोरखपुर में आने के बाद बदलाव देखा है? जी भैया, गोरखपुर में आने के बाद बहुत से मतलब चीज बदल गए हैं, नए नए चीज मतलब आए हैं, सब कुछ विकास, पहले हर एक चीज का विकास हुआ है पहले से ज्यादा। अच्छा, क्या किस किस तरह के विकास जब पहले की सरकारें होती थी और गोरखपुर में आज का जो बदलाव देखने को मिलता है वो किस तरह का बदलाव नजर आता है? देखिए, पहले जो था तो रोडें पतली थी, अब चौड़ी हो गई है सब चीज, मतलब यहाँ पे पार्क वर्क हर चीज बहुत अच्छा हो गया है, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया सब चीज, क्योंकि हम लोग पहले भी आए थे तो पहले इतना अच्छा नहीं था, आज जब से मतलब बीजेपी सरकार यानी योगी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से सब चीज बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है अब जो चुनाव की जो लहर चल रही है तो क्या योगी जी को दोबारा आना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए, योगी जी फिर आए तो ही अच्छा है। क्या क्या लगता है, योगी जी आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए योगी जी। क्यों? क्योंकि उनके वजह से बहुत कुछ विकास अच्छा हुआ है, हर एक चीज बहुत अच्छा हुआ। महिलाओं के लिए अगर सम्मान की बात आती है तो सरकार कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे महिलाओं के सम्मान के लिए? महिलाओं के सम्मान के तो बहुत कुछ किए हैं लोग, मतलब बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए भी हर चीज, जैसे मतलब मान लीजिए ये मतलब वो जो था 100 नंबर तुरंत फोन करो आ जाता है 112 वाला, हर एक चीज मतलब बहुत अच्छा है। अगर बात सुरक्षा की आती है तो देखिए महिलाओं के लिए भी प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं तत्पर रही है। अगर अब यहाँ की जनता की अगर बात करेंगे तो 3 फरवरी को जो मतदान है तो यहाँ के जनता का जो मूड किधर जाता है और जनता किधर वोट करेगी, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पे लोकल से कुछ अगर भैया हैं तो मैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जनता का मूड क्या है और जनता क्या चाह रही है। भैया, यहाँ पे जानेंगे कि आप कि गोरखपुर की जनता जो है क्या चाह रही है, आने वाले 3 मार्च को जो मतदान होना है वो जनता कहाँ बदलाव चाहेगी या फिर वही सरकार लाना चाहेगी।